आज टीकमगढ़ नगर के जानकी बाग मंदिर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बीते दिनों मंडप का विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं आज जानकी बाग मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें टीकमगढ़ नगर के सभी भक्तगण उपस्थित हुए और शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। कमेटी के सदस्य चंद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने बताया कि 8 वर्षों से लगातार महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ एवं माता जानकी का विवाह संपन्न कराया जाता है एवं बहुत ही भव्य ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकाली जाती है, जिसके पश्चात विशाल भंडारा एवं सुहागले की जाती है, जिसमें आज करीब 8,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रताप सिंह जी। बताएं आज क्या कार्यक्रम किया गया? ये महाशिवरात्रि के पर्व पर हर साल टीकमगढ़ के सुप्रसिद्ध मंदिर जानकी बाग में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें मंडप से लेकर भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है पूरे शहर में भ्रमण करके। और आज 3 तारीख को भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर मंदिर में भगवान रामराजा भोलेनाथ के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। कितने वर्षों से ये लगातार प्रोग्राम कर रहा है? ये कम से कम 11-12 साल से ये कार्यक्रम मंदिर में धार्मिक पूर्वक चल रहा है, जिसमें आप सभी के सहयोग से और आप सभी श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करके पुण्य लाभ लेते हैं। आपकी जो कमेटी है किस नाम से जानी जाती है? ये सिर्फ भक्त मंडल कमेटी के नाम से जानी जाती है, जिसमें इन सब का सहयोग तन मन धन से रहता है और बाकी सभी श्रद्धालुओं का भी इसमें सहयोग रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।